हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और 1 मिनट। डोर बंद करती हूँ। अदी को स्कूल छोड़ दिया था, मतलब उसके पापा ने छोड़ दिया था उसे स्कूल, और अभी वो स्कूल गया है। और मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। आज थोड़ी सी धूप आ रही है, इसी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है यार इस साल तो। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी भी मैं सो जाऊँ फिर भी चाय पी लेती हूँ। थोड़ा सा चाय बनाई है मैंने, चाय रखी है बनाने के लिए, बट उससे पहले मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ मेरे गार्डन के फूल। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी सुबह सुबह अगर मैं बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ ना उन्हें, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय भी, 1 मिनट, चाय भी रख दी थी बनाने के लिए अपने लिए, और वहाँ पर चली गई थी तो आपको दिखाने के लिए कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ करके। और यहाँ पर मेरी चाय जो है ज़्यादा ही बॉईल हो गई है। बच्चों के लिए सुबह ये बनाया था, आलू की सब्जी बनाई थी टिफिन के लिए। अद्विक को भी वही दी और माही को भी वही दी। अभी ये ज़्यादा ही बॉईल हो गई है चाय, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है इसका, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बॉईल हो गई है ये। चाय पी लेती हूँ थोड़ा और फिर मिलती हूँ आपसे। टेस्टी तो बहुत बनी है क्योंकि ज्यादा बॉईल हुई है इसी वजह से, बट ना थोड़ा सा कलर चेंज हो गया आप देख सकते हो। ओह, गिर जाएगी आपको अगर दिखाऊंगी तो। थोड़ा कलर चेंज हो गया है बट कोई बात नहीं, टेस्टी बहुत लग रही है चाय। और इस मौसम में ना चाय पीने का अलग ही मजा है। मैं कब से सोच रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ चाय छोड़ दूँ, बट ठंडी का मौसम जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से मेरा मन ही नहीं कर रहा है चाय छोड़ने का। बट फिर भी मैं बीच बीच में ग्रीन टी लेती जा रही हूँ लेती जा रही हूँ और चाय छोड़ ही नहीं रही हूँ। बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो बिल्कुल चाय छोड़नी पड़ेगी आपको, बिल्कुल चाय नहीं लेनी पड़ेगी। फिर भी मेरा पता नहीं अभी कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। तो बट कुछ दिनों के बाद तो मैं चाय छोड़ ही दूंगी, बट अभी जितने दिन मतलब ठंड बहुत ज्यादा है यार, ठंड की वजह से तो कंट्रोल ही नहीं होता है। सुबह की चाय तो चाहिए ही चाहिए। गाइज, यहाँ पर ये पार्सल आ गया है मेरे, मैंने जो ऑर्डर किए थे क्योंकि अभी सेल चल रहा था तो क्रिसमस का, तो उस टाइम मैंने ऑर्डर किए थे ये वाले चीज़ें, मतलब इनके लिए शू ऑर्डर किया था और मेरे लिए एक कुर्ती ऑर्डर की थी। कुर्ती कम ड्रेस है वो, तो इस तरह से है और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ क्योंकि एक हाथों से ओपन करना पड़ रहा है, तो मतलब एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ से ओपन कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ किस तरह से है ये कुर्ती, और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी मुझे, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब कुर्ती कम ड्रेस है ये, एज अ ड्रेस भी आप इसे पहन सकते हो, ससाफराज ब्रांड से है। एज अ ड्रेस भी आप इसे पहन सकते हो, एज अ कुर्ती भी आप इसे पहन सकते हो। इसके नीचे वाइड लेगिन वगैरह पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी। और इस तरह से है ये पूरी कुर्ती और कोल्ड शोल्डर है। इसे आप मुझे आगे पहने हुए देख ही लोगे ब्लॉग में वैसे तो। और इस पे ना एम्ब्रॉयडरी की है वाइट थ्रेड से, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। तो अभी मैं आपको शू दिखा देती हूँ इनका, स्पार्क का शू ऑर्डर किया था मैंने इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। मतलब इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया है, श्रीकांत के लिए ऑर्डर किया था मैंने, सिर्फ कलर चेंज था तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो भी, तो इसी वजह से मतलब वो अभी भी पहन रहा है वो शू, तो इसी वजह से मैंने ये वाला इनके लिए ऑर्डर किया था। और इसकी जो क्वालिटी है गाइज, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो कितने दिनों से अभी भी पहन रहा है वो शू और कुछ भी नहीं हुआ है शू को, तो इसी वजह से मैंने इनके लिए भी ऑर्डर कर दिया था। और मैंने इनके लिए सिर्फ कलर चेंज किया है ऑर्डर, तो ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में थोड़ा सा, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगे कोई कोई भी आउटफिट पे, जीन्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। और रनिंग शू है ये। और यहाँ पर अद्विक आ गया था स्कूल से, तो मैंने उसको, मैं पूछ रही थी क्या, पता नहीं उसको गुस्सा आ गया था किसी चीज़ का, तो मैं उसको पूछे जा रही थी क्या हो गया है क्या हो गया है, लेकिन बात ही नहीं कर रहा था मुझसे।
मशीन चल रही है मेरी, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना था बाहर एक्चुअली। बट यहाँ पे ना, मतलब आपको जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ के रास्ते ठीक नहीं है, न्यू कॉलोनी है, रास्ते ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने कंप्लेंट की थी एमएलए के पास। तो एमएलए आने वाले हैं यहाँ पे, इसी वजह से सब लोग रेडी हो गए थे और मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। मतलब मैं इनको पता था बट इन्होंने मुझे नहीं बताया, और मैंने सोचा कि जाना ज़रूरी नहीं है इतना, वहाँ पे सब लोग होंगे और हम, मतलब हम तो यहाँ के कॉलोनी में ना थोड़ा सा, मतलब सबसे छोटे, तो इसी वजह से इतना कुछ वो नहीं था। मतलब मैंने सोचा कि बड़े होंगे ही वहाँ पे, तो इसीलिए मुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं। बट वो सब बोल रहे कि नहीं, आप भी साथ में, मतलब सब लेडीज़ कॉलोनी की होनी चाहिए वहाँ पे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जाके आ जाती हूँ वहाँ पे। और अभी तक सब लोग वेट ही कर रहे हैं, और फिर एक मतलब वो दीदी के यहाँ पे चले गए सब लोग, तो मैं भी जाके आ जाती हूँ वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो क्योंकि इन लोगों ने, सब लोगों ने रोड के लिए कंप्लेंट की है, मेन रोड तो बन रहा है वहाँ पे, लेकिन जो अंदर के रोड है वो कुछ रोड बने हैं, कुछ रोड नहीं बने हैं। हमारे घर के सामने वाले रोड नहीं बने हैं इस कॉलोनी के, मतलब बताया ना, एक एक पट्टी जो होती है, तो हमारे साइड के नहीं रोड बने हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने कंप्लेंट की थी। तो चलिए फिर मैं जाके आ जाती हूँ, और यहाँ पर मेरी मशीन भी चल रही है, मशीन को चलने देते हैं ऐसे ही। और चलिए ये तो चला गया है, अद्विक भी चला गया है वहाँ पे, मैं भी जाके आ जाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आ गए थे एमएलए, और सभी कॉलोनी वाले मिलकर डिस्कस कर रहे थे, मतलब सभी बता रहे थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमें कॉलोनी में, और क्या क्या चाहिए है हमें यहाँ पे, रास्ते ठीक नहीं है, थोड़ा सा जो जो प्रॉब्लम है वो सब भी बता रहे थे सब मिलके, जो जो उनको प्रॉब्लम थे। तो बट इनका ना ऐसा है, यहाँ पे जो भी कंप्लेंट करते हैं, मतलब जिनकी भी प्रॉब्लम होती है, अगर सब मिलके करते हैं ना तो वो पूरी कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सब जेंट्स गए थे इस बार उनके पास, तो इसी वजह से वो आ गए थे विजिट देने के लिए यहाँ पे, देखने के लिए। सो गाइस, रवि राणा आके चले गए, यहाँ के जो एमएलए है उनका नाम है रवि राणा, तो वो आके चले गए और देख के चले गए हैं रोड वगैरह, और जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था हमें, जो भी कुछ प्रॉब्लम थे हमें, तो वो यहाँ के लोगों ने सब बता दिया उनको। तो पता नहीं अभी कब करेंगे वो। थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि न्यू कॉलोनी है तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ का, तो इसी वजह से सब लोगों ने बुलाया था उन्हें, तो वो आके चले गए, देख के चले गए हैं। जो कुछ हमें प्रॉब्लम्स थे वो हमने शेयर किए उनके साथ, बट अभी पता नहीं कितना क्विक एक्शन लेते हैं वो, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो थोड़ा सा लेट तो हो गई, बट होगा ज़रूर, मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा। और हाँ, मैंने उस दिन ना केक बनाया था, बिस्किट्स का केक, तो इसी वजह से मैंने उस दिन, मतलब कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में शेयर कर देती हूँ आपसे उसकी रेसिपी, तो इसी वजह से मैं आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करने वाली उसकी रेसिपी, आप देख लीजिए आगे कि कैसे बनाया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से उसकी रेसिपी है। और मैं तब तक चाय बनाती हूँ। सो गाइज, मैं बना रही हूँ बिस्किट्स का केक, तो यहाँ पे बिस्किट चाहिए होंगे हमें, इस तरह से क्रीम के बिस्किट चाहिए होंगे, तो ये छोटे छोटे पैकेट लाए थे इन्होंने, मतलब मैंने बोला था इनको कि लाके दो करके मैं बनाऊँगी, तो काफ़ी दिनों से माही की ज़िद थी कि केक बनाओ केक बनाओ, बट मुझे नहीं आता था, तो इसी वजह से मैंने नहीं बनाया था। तो बट आज फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैंने केक बनाऊँगी करके, तो ये छोटे छोटे पैकेट है आते हैं 5-5 रुपये के आई थिंक आते हैं क्रीम के बिस्किट्स, तो ये पैकेट मैंने आई थिंक 4 लिए थे छोटे छोटे, तो जो एक पैकेट में 6 या 7 पीस आते हैं ये करके, तो इस तरह से मैंने ये 4 पैकेट लिए थे, ओपन किए थे, और उसके बाद वो मिक्सी के पॉट में डाल दिए थे, और उसके बाद ना उसमें ऐड करना है आपको 1 कप दूध, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब उसका पेस्ट बने, तो इसी वजह से उसमें 1 कप दूध ऐड करना है, ताकि आपको पीसने में आसानी हो और उसका अच्छे से पेस्ट बने। तो इस तरह से आपको बहुत ही ईजी है गाइज ये वाला केक, मतलब ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैदे का केक हम लोग बनाते हैं उस टाइप का तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस टाइप का आप अगर बिस्किट का केक बनाते हो तो बहुत जल्दी ईजी बन जाता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, आप आधे घंटे में बना लोगे ये वाला केक। तो बस बिस्किट्स की ज़रूरत है, इनो की ज़रूरत है, और दूध की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो इस तरह से आपको लेना है और इसे मिक्सी में पीस लेना है और अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना है, तो बस 1 कप दूध ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं प्री हीट कर रही हूँ, मतलब ओवन के जैसा, आप हम लोग ये जो केक है वो कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसी वजह से इसे प्री हीट करना है आपको 10 मिनट तक ओवन के जैसा कढ़ाई को, तो लो मीडियम बोल रही हूँ, लो फ्लेम पे आपको उसे करना है, मतलब प्री हीट करना है। और यहाँ पर मैं एक पतीले में ले रही हूँ ये वाला पेस्ट, थोड़ा सा कम लिया था मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था तो अच्छा बनता, मतलब
थोड़ा सा ज़्यादा ये होता, बड़ा बनता हाइट हाइट में, तो ये थोड़ा सा चपटा बना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा कम लिया था मैंने, क्योंकि पहली बार बना रही थी तो इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। बट कोई बात नहीं, इस तरह से आपको पतीले में ले लेना है, फिर उसमें छोटा जो पैकेट आता है इनो का वो ऐड कर देना है पूरा, और उसको अच्छे से फेंट लेना है, बट एक साइड में ही फेंटना है, मतलब एक ही तरफ से फेंटना है आपको, ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं फेंटना है, ताकि उसको अच्छे से स्पॉन्ज आ जाए, और तुरंत ही जैसे ही हम लोग फेंट लेते हैं उसे अच्छे से, तो उसके बाद हमें उसको एक पतीले में डाल देना है, मतलब पहले पतीले को ग्रीस करना है आपको, ऑयल डाल के पतीले को अच्छे से ग्रीस करना है, और उसके बाद फिर आपको उसमें जो पेस्ट है जो हमने बनाया हुआ है वो ऐड कर देना है अच्छे से, और आपका जो पेस्ट है वो डाल देने के बाद आपको उस पैन को थोड़ा सा झटक लेना है, ताकि उसमें जो जो भी वो हो क्या बोलते हैं बुलबुले वगैरह क्या बोलते हैं उसे, मुझे नहीं वैक्यूम तो वो निकल जाए। हाँ, इस तरह से आपको झटक लेना है चम्मच से या किसी भी चीज़ से, वो एक एक तरह से मतलब एक जैसे स्प्रेड हो जाएगा, और उससे ना थोड़ा सा उसमें जो वैक्यूम वगैरह होता है वो भी निकल जाएगा, तो इस तरह से आपको स्प्रेड करना है उसे अच्छे से, और उसे ना आपके जो आपने कढ़ाई रखी थी प्री हीट होने के लिए उसमें एक स्टैंड रखना है आपको, या अंदर जो भी स्टैंड आता है, मतलब इस तरह से मेरे पास ये स्क्वायर का स्टैंड है, स्क्वायर शेप में, आपके पास राउंड शेप में वगैरह होगा तो वो स्टैंड रख देना है आपको उसमें, और बस ढक्कन रख देना है, और इसे ना आधे घंटे तक रखना है, आधे घंटे के बाद आपका जो ये है 20 मिनट के बाद ही आपका जो केक है वो अच्छे से बन जाएगा, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब अच्छे से बन गया, और बहुत ही अच्छे से मतलब बना था, जाली भी आ गई थी काफ़ी अच्छे से, और आपको चेक करना है 20 मिनट के बाद ही, आपको चेक करना है आपके केक को ऐसे चाकू डाल के, ताकि उसमें अगर चाकू में लग गया तो आपको समझ जाना है कि थोड़ा सा केक बाकी है होने का, और अगर नहीं लगा तो आपको समझ जाना है केक हो गया है, और अपना 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देना, नहीं तो फिर वो टूट जाएगा, जैसे मैंने किया था थोड़ा सा एक्साइटमेंट में ना, मैंने जल्दी से निकाला था ये, गर्म गर्म ही निकाला था तो वो निकला नहीं था अच्छे से, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा पीछे से उसको ऐसे करना है आपको तो निकल जाएगा अच्छे से, बट थोड़ा सा आपको ठंडा अगर ज़्यादा होने दोगे तो जल्दी निकल जाएगा ये, ज़्यादा आपको इससे परेशानी नहीं होगी, और अगर आप बटर पेपर नीचे लगाते हो, तो मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था, मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ही बना रही थी तो मेरे मुझे कुछ आइडिया भी नहीं थी, मैं बटर पेपर लगाना चाहिए था, बटर पेपर अगर आपके पास हो तो जल्दी निकल जाएगा, और ज़्यादा इस तरह से मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको, और ठंडा होने देना सिर्फ बस। गाइज, केक तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी बना था, मतलब सिर्फ ना थोड़ा सा निकालने के टाइम थोड़ा सा वो टूट गया था बीच से, क्योंकि थोड़ा लेट निकालना चाहिए था, ठंडा होने के बाद निकालना चाहिए था, बट जल्दबाजी इतनी कि फर्स्ट टाइम बना रही हो तो उसकी एक्साइटमेंट होगी होगी, बट खाया सभी लोगों ने, मतलब अच्छा लगा सबको, टेस्ट तो बहुत ही अच्छी आई, सिर्फ थोड़ा सा टूट गया था बीच से, तो सभी लोगों ने, वैसे भी पीसेस ही करने पड़ते हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, बट टेस्ट बहुत ही अच्छे से आई, मतलब केक के जैसे स्पॉन्ज भी बहुत बना था, थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं सोच रही थी कि ज्यादा क्वांटिटी में बना दी तो भी चल जाता, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि फालतू में वेस्ट ना चला जाए, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही बनाया, बट काफी ज्यादा टेस्टी बना था, आप जरूर ट्राई करना घर पे, एक बार ट्राई कर लेना क्या जाता है ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने भी पहली बार ट्राई किया है बट काफी ज्यादा अच्छा बना था, अगर क्वांटिटी आप ज्यादा भी लोगे तो कोई बात नहीं चल जाएगा, और अच्छे से स्पॉन्जी बनेगा, काफी ज्यादा स्पॉन्ज आया था, और सिर्फ थोड़ी सी कम क्वांटिटी ली थी ना मैंने, इसी वजह से थोड़ा सा वो हो गया था, इशू हो गया था, मतलब थोड़ा सा पतला बना था, बस उतना ही इशू था और बस कुछ नहीं, तो चलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ, और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो थक गई मैं बोलते बोलते, और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मैंने कम्युनिटी पे उसका लिंक भी दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।